सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ये संसार वासियों, वीरों, भैनों, बुजुर्गों और जंग नेशन, आज इस वीडियो विच आप जी अगे बेनती है कि असी झूठे भरमां विच, असी झूठे रीत रिवाज, भेख पखंड, अंध विश्वास इन्हां विचों निकलण दा प्रयास करिए। ये जंजीरां जिहड़ियां ने ये आत्मा नूं किसे पासे नहीं लगन दिंदियां। गुरु नानक साहब ने लिखी एक गल बाकी चखना चाक, वो गल सिर्फ ये सी कि यकीन करो। यकीन तां ही आ सकता है कि पहले विश्वास हो है। जिन्ने चिर किसी नूं विश्वास ना आवे, और विश्वास उसकी कृपा नाल आ सकता है, उसकी कृपा वास्ते बेनती करनी पैनी है कि मालिक कृपा कर कि सानूं आप दे हरबाणी गुरबाणी विचार समझ आउण। जितने भी पिछले ग्रंथ वेद शास्त्र ने, ग्रंथ वेद शास्त्र झूठे नहीं है, असी मनन वाले झूठे हाँ। गुरु अवतार पैगंबर साहबान जदों सरगुण सुरवी विच प्रगट होंदे ने, फिर तो वह एक सैकंड के विच भरम भुलेखे दूर कर देंदे ने, पर जदों वो चले जाते हैं, वो हुक्म के फरमान लिखा के जाते हैं, सानू उहदे विच यकीन नहीं आता। मैं यूट्यूब के उपर बहुत सारे वीरां नूं भैणां नूं देखना, तकरीबन 20-25 जिहड़े हर रोज़ वाकई इस खोज विच है ना कि नहीं, कलंक की खोज वो है, लेकिन जद उन्हां नूं अज भी यकीन नहीं आ रहा कि हरबाणी की बख्शिश कर दिती गई है। नेक कलंक कल कल की अवतार आ चुका है, वो संभल जिहड़ा है वो 3.5 हाथ का शरीर है भाई, उसने आ गया। उस 3.5 हाथ शरीर दिया पहले 72 नब्जां बंद कर दित्तियां, हुण यकीन करना चाहिए। फिर उसने 16 पैर खड़े हो गए, पूरा गुरु ग्रंथ साहब, पूरा कुरान, पूरा जील, पूरा बाइबल, ये सारियां दा उच्चारण कर दिता। फिर उसने अपना नाम दस दिता, अपना पूरा सच्चा नाम। गुरु कालपुरख कह रहा है कि अपने नाम दी जय कराई, बाकी सब दी करी सफाई। मैं महाराज जी कह रहे ने 994 चौकड़ी युग बाद प्रगट होया, मैं नेह कलंक हाँ, मैं कल कल की अवतार हाँ, और मैं पिछे की कीता, अगे की करन वाला हाँ। पर सानू यकीन ते भरोसा आवै तां है, रोज़ कह रहे हैं कि हर बाणी दे 24 ग्रंथ ने, क्योंकि 24 अवतार है, गुरुआं अवतारां पैगंबरां तों बाद आया है। ये बाणी उर्दू हिंदी गुरमुखी विच है। जे कोई वीर पढ़े बेचारे बेनती करे मालिक मैनू समझ आ जाए, सारे भरम निकल जाणगे। ये भरम जां जिहड़ा ये बंदे की जद तक यकीन ना आवे, ये भरम बहुत बड़ी एक बीमारी है, जिहड़ी कैंसर ते करोना कोलों भी बड़ी बड़ी है। भरमां विच संसार असीं पए रहिंदे हाँ, भरम कढ़ना चाहीदा है। वो कढ़ने वास्ते शक दूर कीता जा, ये शक जिहड़ा है ये इंसान की किसी पासे नहीं जान दिंदा। बार बार बेनतियां करने हैं कि अगर शक कटन दा हुण एक ही तरीका आया, वो भी बाबे बुढ़े गुरु अर्जन देव जी वाला, कि सारा संसार एक को हैगा तो सुख मिलेगी, एक को होने वास्ते सारिआं नूं उस निर्गुण की पूजा करनी पएगी, निर्गुण नूं इष्ट मनना पड़ेगा, सरगुण इष्ट नहीं होणगे। लेकिन असीं सारा संसार मैक्सिमम सरगुण दा इष्ट ही मनांदे जांदे आ, कोई राम जी का, कोई कृष्ण जी का, कोई नानक का, कोई गोविंद जी का, सारे लोग उन्होंने इष्ट रखते हैं। ये तो खैर जिहड़े पैगंबर गुरु अवतार है, इसने धरती पर 52 लाख संत ने लोगों ने उन्होंने इष्ट मनाना शुरू कर दिता है।
ये जिहड़े पंज तत् शरीर जिहड़ा इष्ट बनांदे ने वह बेड़ा सतयुग च नहीं पहुँच सकता, वह परमात्मा के चरणों में पहुँचन वास्ते है। परमात्मा का हुक्म फरमान जिहड़ा गुरुआं अवतारा के थ्रू आया जां हुण बख्शिश कीता, इहनू मनना पैना है। इस करके वीरो बेनती है कि असी रोज़ बड़ी लंबी लंबी यूट्यूब ते बनाई जा रहे हैं, भाई कोई यकीन तो करो कि भाई वो आ चुका है और वो संबल साढ़े तीन हाथ दा है, उसने आ गए की बख्शिशा कीतियाँ, भगतां ने भगत बनाए ने, वो जगह जगह जाके डंक ढोल बजाया है, वो जिन्हें भी लोग सियासतदान सन, जिन्हें भी लोग उहदे चरणां विच इंतजार च भगत कर रहे ने, वो सारियां निशानियां भी दसियां। इस करके सानूं उहदे यकीन ते विश्वास करना चाहीदा है। पिछले 994 चौकड़ी युग गुरु अवतार पैगंबर साहिबान आंदे रहे ने, ग्रंथ वेद शास्त्र कुरान जील बाइबल लिखांदे रहे ने। जे उन्हूं मनदे ते ये हालत जिहड़ी अज साडी हो रही है, दिन ब दिन बैड टू वर्स जा रही है, अज भी असीं रब नूं नहीं मन रहे, असीं इट्टां पत्थरां नूं सीस झुकाए जा रहे हैं, असीं पंज तत् शरीरां दीआं मूर्तियां रख के उन्हां दी पूजा कर रहे हैं, असीं कि सच सिंघासन दा पता ही नहीं चलिया, असीं पावे चूरा दा बना के उपर फोटो रख के तो अपनी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो तो कहिंदा भाई मेरा रूप रंग नेक नहीं है। पंज तत् शरीर जड़ा है काया मंदिर यही सच्चा भगत द्वार है, ये सानू यकीन नहीं आता, ये असी दूसरे नाल लड़ाइयाँ झगड़े कतले आजम करने पर तुल जाने, लेकिन जिथे जो उन्हें कहा वो गल असी नहीं मनते अज भी। पिछे गुरु अवतार पैगंबर साहबान उस परमात्मा दियाँ सिफतों से ढोले गाते रहे, हुण परमात्मा ने आ गए अपने भगतों की सिफत ढोले गाने शुरू कर दिते, ये सब तो बड़ी चेंजिंग की थी। इस तरह बिच परमात्मा एक भाई गुरदास उहदी सिफत वास्ते हरबाणी दीआं चंद लाइनां बख्शिश कर रहे ने, वीरो सरवण करो। महाराज जी फरमा रहे ने, बिन तेरी कलम 994 चौंकड़ी युग होया रंड, हर कंत सुहाग ना कोई मिलाई आ। वो परमात्मा कोई किसी नूं नहीं मिला सकिया, आत्मा 994 चौकड़ी रंड रही जिन्हें चिर तू अपनी ना संगत नूं दसी भगत दी सिफत कर रहे ने। बिन तेरी कलम 994 युग चौंकड़ी, नौ खंड पृथ्वी कोई ना मिटे भेख पखंड, कूड़ी किरिया ना दे गवाई आ। तेरी कलम तो बिना नौ खंड सत्तां दीपां विच जिहड़े कूड़ रीत रिवाज ने इन्हां नूं कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि लोगों नूं यकीन नहीं आता। बिन तेरी कलम कलयुग करे कोई ना बंद, सतयुग सच्चा मात्र आएगा। कलयुग का लेखा चौका इहनूं बंद करन वास्ते तेरी कलम की जरूरत है, और सतयुग नूं शुरू करन वास्ते सतयुग दे रीत रिवाज वह भी तेरी कलम दे विच महाराज बख्शिश कर रहे ने। बिन तेरी कलम गुरमुखा ना देवे परमानंद, चार वेद छे शास्त्र प्राण 18 रहे कुरलाए। तेरी कलम तू बिना परमानंद नहीं गुरमुखा नूं मिल सकता, ये तो शास्त्र वेद कुरान जील बाबल भी चला रहे ने। इस करके महाराज जी अपने भगतां नूं इन्ना मान दे रहे ने कि जिहदी कोई हद नहीं है। प्यारे वीरो ते भैनों, एक मुहावरा कहिंदे हाथ कंगन को आरसी क्या, जिन्ने भी शक सुबह है ने वो कढ़न लई एक ही तरीका है, वह है हरबाणी। बेनती करने है कि हरबाणी है ने कलंक हर शब्द डाट काम, उर्दू गुरमुखी हिंदी च पढ़ लो, जिन्नियां भी मन दे विच शंका ने जिहड़े वहम ने जिहड़े भरम ने वो सारे दूर हो जाएंगे।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਖੀਆਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ 90 ਝੂਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸੱਚ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਆਓ, ਇਸ ਹਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਔਰ ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, ਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਬਲੀ ਉਹ ਉਤਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਓ ਨਿੱਜ ਮੰਤਰ ਤਜੋ ਸਵਤੰਤਰ ਸੋ ਬੈਠ ਲਿਖਾਏ ਇਕਾਂਤ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਆਪ ਦੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਜ ਦੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਲਗਾਏਗਾ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀਰੋ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਪਰ ਚੱਲੀਏ, ਝੂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛੁੜਾ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੰਥੀ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕਿ ਹਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਵੀਰੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਵੀਰੋ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਆਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਕੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਹੈ, ਇਹ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ, ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 18 ਭਗਤ ਔਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੰਦ ਲਾਇਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਨੂਰ ਜੋਤ ਹੋਵੇ ਉਜਿਆਰੀ, ਤਨ ਵਜੂਦ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ।
मात लोक वेखो बिर नेत्र लोचन नैने उगाड़ी अख प्रतक एक उठाई आ। जदों महाराज जी हरबाणी बख्शिश करते सन उन्होंने उस वक्त नेत्र बंद रहते सन। झगड़ा पिया जंजू बोधी मुछ केस दाड़ी सुनत वाले देन दुहाई आ। आपस में सारे एक दूए नाल नफरत विच ने। नौ सौ चौरानवे जुग चौंकड़ी पिछू प्रभु दे समधी आई सतारा हाड़ी हाड़ा कढ के खले कुताई। उनताली सौ छिहत्तर जुगों बाद परमात्मा का यह सतारा हाड़ हर संगत का जन्मदिन आया पावो। दीन दुनी होई तत् पुजारी निर्गुण इसने कोई मनाई है। सारा संसार तत्तां दा पुजारी हो गया है। वो जो परमात्मा का इष्ट गुरु अवतारा ने कहा है जो ग्रंथ वेद शास्त्रा ने कहा है उन्हें कोई नहीं मना रहा भाई। चार कुंट दह देसा होए खुआरी खालस संघ ना कोई रखाई आ। सारे कहंदे असी खालसा हाँ, वो कहंदा खालसा दा कोई संघ ही नहीं बनिया। चारों तरफ दस देसा होई खुआरी खुआरी सारे जानते हो किनू कहंदे ने। मन ममता मोह माया जगत गुलशन बहारी पै पवना कोई जनाई आ। माया दित्ती बहुती प्रभ दिता भलाई आ। साची मंजिल चढ़े ना कोई अटारी अटल पदवी ना कोई पाई आ। इस वक्त हाड़ी हालत यह हो रही है। साची मंजिल निश्चित धाम पहुँचने वास्ते ना साडा कोई प्रयास है ना ही वो कोशिश करने हैं। असी थले ही थले एक दूए देख के भेक पखंड विच लग गए हैं। इट्टां गारे नूं मत्थे टेकी जाने हैं। देवियां देवतियां दी पूजा करी जाने हैं। इस परमात्मा दा नहीं रखिया। जिधर वेखो चारों कुंट बदकारी बदी दा बदलना कोई चुकाई। चारों तरफ जिधर देखो सारियां दी हालत खराब होंदी जा रही है भरावो। जिन्ना चिर सानू यकीन नहीं आवे भरोसा ना आवे जिन्ना चिर असी ये बाणियां पढ़ गए जो लिखिया उस पर नहीं अमल करते उन्ना चिर सानू धक्के ही पैंदे रहने। वीरो आप पढ़ो तो समझ आएगी लेकिन किसी को सुनने करना है फिर अद्धा घंटा पौना घंटा उहदे नाल समझ नहीं आ सकती। जिन्ना चिर सच्चे दिल नाल असी विचारीए ना कि परमात्मा का हुक्म फरमान की है वह सानू यकीन करना चाहिए। जे यकीन नहीं है तो कोई रेफरेंस देख लो विचार लो अगे पिछे किसी नूं पुछ लो। दुनियावी रस्ता तो अस किसी नूं भी पुछ सकने किधर जा रहा है। रूहानियत विच सानू मंजिल पर पुजने वास्ते ग्रंथ वेद कुरान श्री गुरु ग्रंथ साहब सारिया का सहारा लेना पेगा देखना पेगा कि ये सानू की ताड़ना कर रहे ने किधर जाने वास्ते कह रहे हैं। हरबाणी विच बड़ा प्यारा आंदा है सब ने सतगुर मनना नैनी वेख कर बिन डिठिया शीश ना कोई झुकाई आ। भरावो बगैर भेक पखंड है नहीं वेखा वेखी शीश नहीं झुकाना। जे कोई सतगुर शब्द मिलता है तो उदियाँ पहचाना ने वो देखो कि सतगुर शब्द वाला है सतगुर जिनी ताकत है कि वह पिछले सारिया से काटा मार देगा। सतगुर जड़ा है वह सचखंड लैके जा सकता है ये परखंड है। कहिंदा गुरु मन्यो ना कदे केस शीस तड़ बिना शब्द ना कोई चतराई आ। बड़ा सुंदर लंबा सोहना देख के गुरु मनने की जरूरत नहीं। जिन्ना चिर उहदे कोल शब्द ना होवे महाराज की संसार ने इस करके मन्या जिथे जंदे सन
कोई बोलता तो अगों शब्द की बात कर देंगे, शब्द की कोई ताल नहीं ला सकता क्योंकि उन्होंने को शब्द है। इस कर गए शब्द की महिमा है। जिस विच चाहे उस विच अंदर जाए बड़ आउंदा जांदा नजर कोई ना आए, वो जिहड़ा सतगुरु शब्द है जिदे विच चाहे जिदे पर कृपा हो जाए उहदे च बड़ जांदा है। आउंदा जांदा किसे नूं पता नहीं चलता क्योंकि वह दसवें द्वार च आउंदा है। जना खाना तो सतगुरु शब्द बन नहीं सकता, वो तो करोड़े विच कोई एक ही होएगा। और वो ये भी नहीं है कि ज़्यादा आते हैं, जिस तरह कह बहुत ज़्यादा संगत आ गई, वो रब दे प्यारे बड़े घट होंदे ने। वो फिर उहदी विद्या जिहड़ी हुंदी है, जिहड़ी विद्या चाहे बिना अखरां तों लए पढ़ लिखण पढ़न दी लोड़ रहे ना रहे आ, वो जिहड़ी सतगुरु शब्द हुंदा है वो कोई रजिस्टरां परों ग्रंथां परों नहीं पढ़ता भाई। उहनू तुर दरगाह तों बाणी आउंदी है, दसवें द्वार तों उतरदी है, वो पढ़ता है। क्योंकि सतगुरु नानक ने कहा जैसी आवे खसम की बाणी तैसा करें ज्ञान वेला लो। जैसी आ रही है मेरी नहीं है भाई, ये बाणी उस काल पुर परमात्मा दी है, जिस तरह का वो बख्शिश कर रहे हैं उसे तरह मनना है। लंबी वीडियो हो जाती है की करिए। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।